गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग को क्लास 7 का नया चैप्टर है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हिंदी होता है बच्चों बीजगणितीय व्यंजक। इसी के बारे में आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे और आप लोग सीखेंगे। जो आपका चैप्टर है बच्चों 6 है और इसी के बारे में बीजगणितीय व्यंजक जो है इसी के बारे में आज सीखेंगे। ध्यान पूर्वक देखें बच्चों, पहला जो टर्म्स आता है कांस्टेंट राशि किसे कहा जाता है ना। देखिए, एसएमओल हैविंग ए फिक्स न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वह वैल्यू जिसका मान क्या फिक्स हो, जैसे 5, 4, 6, 8, 9, 11 ये सब क्या बच्चों फिक्स वैल्यू है। इसका मान ना आगे किया जा सकता ना पीछे किया जा सकता। जो भी संख्या हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर, या 50 हो, 59 हो, 60 हो, 70 हो, 110 हो, कुछ भी हो, तो वह संख्या जो है उसका फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसी को हम क्या कहेंगे उसको कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जब भी आता है जब उसका वैल्यू क्या होता है फिक्स हो जाता है, उसका वैल्यू इधर उधर कहीं वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, आगे आता है तो वेरिएबल है ना। एसएमओल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमर, देखिए बच्चों यहाँ पर बात को ध्यान देना, वेरियस न्यूमर वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल, जिसमें जिसका वैल्यू क्या होता है वेरी करता है आगे या पीछे। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है आगे बढ़ता है, और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है पीछे होता है। जैसे देखिए 2x, इसमें देखिए बच्चों इसमें 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x क्या बच्चों वेरिएबल है। इसका वैल्यू x का मान यदि हम 1 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा वैल्यू, यदि 2 ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा ना, तब 4 हो जाएगा। इस तरह से 3 ले लेंगे बच्चों तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, मतलब कि चेंज होते रहेगा। यदि -2 ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों वेरिएबल हो गया, मतलब आगे पीछे मान क्या होता है चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहता है ना। तो वह वैल्यू जिसका मान क्या होता कभी घटता हो या बढ़ता हो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी बहुपद है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म, इस बात को ध्यान दीजिएगा, व्हिच कंटेन्स An algebraic expression which contains only one term is called monomial। मतलब वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पद की व्याख्या किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों मोनोमियल बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे 5x एक पद है, 2x y -7x y है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक पद हो या वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, लेकिन सिर्फ एक पद का व्याख्या किया जाता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल का हिंदी होता है बच्चों द्विपदी बहुपद। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। वह बहुपद जिसमें दो पदों की व्याख्या किया जाता हो, वह बहुपद जिसमें दो पदों का योग या अंतर किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों बाइनोमियल कहेंगे। देखिए 2x + 3y 8 - 5x x² - 4xy² इस तरह से आप बाइनोमियल का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दो पदों का योगफल अंतर किया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं ट्राइनोमियल का हिंदी होता है बच्चों त्रिपदी बहुपद। मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज
कॉल्ड ट्राइनोमियल। वह बहुपद जिसमें तीन पदों का योगफल या अंतर किया जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे x + y + z, 2x + 3, 2a + 3b - 4c, x³ - y³ - z³, इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइनोमियल का हिंदी हो गया त्रिपदी बहुपद, है ना। आगे देखेंगे क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल हो गया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स। वह बहुपद जिसमें चार पदों का योगफल या अंतर किया जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। जिस जैसे में है एग्जांपल में x + y + z - 5। देखिए इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल से मतलब नहीं है, लेकिन चार पद होना चाहिए, है ना। देखिए x + y + z - 5, 2x³ + 3, y³ + 4z³, इस तरह से आप हम ले सकते हैं, चार पद ले सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का हिंदी होता है सिर्फ बहुपद। बहुपद एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म, दो या दो से अधिक पदों का योगफल अंतर किया जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीनोमियल बोलेंगे, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल, है ना। जिसमें दो या दो पदों से अधिक पदों का योगफल या अंतर किया जाता हो उसे हम क्या बोले बच्चों, पॉलीनोमियल। तो आज आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखें, कुछ एक्सरसाइज का हम सोल्यूशन कराते हैं, देखेंगे आप लोग, है ना। तो एक्सरसाइज आपका जो है बच्चों 6A का देखेंगे, एक्सरसाइज 6A। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों एक्सरसाइज आपका है 6A। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए 5x 7x - 6x, है ना। इसको क्या करना है बच्चों, ऊपर नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी बहुपद है, जो भी पद है उसका योगफल करना है। तो देखिए हम योगफल करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5x + 7x - यहाँ प्लस करेंगे उसको - 6x। देखिए उसको ध्यान देंगे, 5x + 7x पॉजिटिव और निगेटिव को करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, निगेटिव। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का योगफल करना है और इसमें से घटा, तो 7x और 5x को ऐड करेंगे बच्चों तो 12x - 6x, तो 12x में से 6x को घटाएंगे तो 6x आपका क्या हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 3x / 5 ना, और 2x / 3 - 4x / 5, इसको ऐड करना बच्चों। देखिए 3x / 5 + 2x / 3 + - 4x / 5। अब यहां देखिए 5 3 और 5 का क्या करना बच्चों, एलसीएम लेना, तो 5 3 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा क्या होगा, 15 हो जाएगा। इसको 5 से 15 में डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3, और 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x।
प्लस 3 को डिवाइड करें 15 से, तो 5 आ गया बच्चों। 5 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 10x। यहां देखो पॉजिटिव और नेगेटिव को करेंगे बच्चों तो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस हमारे इसका था माइनस का। 5 को 15 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12। अब यहां देखिए 10x और 9x को ऐड करेंगे और 12 में क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या आ गया 19x - 12x / 15। तो देखिए यहां करेंगे बच्चों तो आ जाएगा क्या 7x / 15। यही आपका क्या आएगा आंसर। देखते हैं बच्चों आगे इसी का एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है देखिए 5a² b कॉमा - 8a² b कॉमा, ठीक है 7a² b। ध्यान दें बच्चों इसको ऐड करना है प्लस, देखिए प्लस हमारे क्या बच्चों माइनस 5a² b - 8a² b प्लस 7a² b। देखिए यहां देखिए दोनों पॉजिटिव संख्या, ध्यान दें बच्चों ऐड हम किस तरह करेंगे। देखिए कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म देखेंगे सब में क्या बच्चों इक्वल है, a² b और a² b है ना, और कांस्टेंट टर्म अलग रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल टर्म क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तभी आइडिया सेट होगा। ठीक है तो यहां देखेंगे बच्चों इसको ये दोनों प्लस वाला संख्या पहले ऐड कर देंगे है ना, तो 7 और प्लस 5 क्या होगा 12a² b और माइनस 8a² b। तो देखिए 12a² b में से 8 को घटाएं बच्चों तो आएगा 4a² b आपका, यही क्या होगा बच्चों आंसर। आप इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके देखिए, यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है या कमेंट बॉक्स है उसमें भेजेंगे, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, है ना क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं बच्चों, देखेंगे सोल्यूशन करके इसको देखेंगे 10 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट बच्चों इसको घटाना है माइनस 8x बाई फ्रॉम 7x बाई, देखिए ध्यान दें फ्रॉम के बाद वाले जो संख्या रहे बच्चों उसको आगे लिखेंगे और जो पहले संख्या रहे उसको पीछे लिखेंगे, और दोनों संख्या क्या करेंगे घटाएंगे, तो 7x बाई माइनस यहां माइनस 8x बाई हो जाएगा। ठीक है तो 7x बाई माइनस माइनस का बच्चों प्लस 8x बाई, तो देखिए 8 और 7 को जब ऐड करेंगे कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है लेकिन वेरिएबल टर्म क्या बच्चों सेम, तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 7 को करेंगे तो 15x बाई आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है आगे देखते हैं एक और देखते हैं क्वेश्चन 2 आप लोग बना लीजिएगा 3 का बता दें, चलिए क्वेश्चन 3 देख लीजिए x माइनस y फ्रॉम 4y - 9। ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो फ्रॉम के बाद वाला संख्या उसको पहले लिख लेंगे, तो 4y - 5x है ना, यहां पर करेंगे उसको माइनस x माइनस तो 4y - 5x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस y है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ क्या है y वाला को एक साथ लिखेंगे और x वाला को एक साथ करेंगे तब 4y और y को करेंगे बच्चों तो 5y आ जाएगा, यहाँ माइनस 5x माइनस x है तो माइनस 6x हो जाएगा, है ये आपका क्या है आंसर है। चलिए आगे इस तरह से आपका 4, 5, 6 करके देखेंगे है ना, इसको बना कर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख चलते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ऑफ a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 9c एंड टू बी प्लस 3c माइनस 8। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कारण क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ए प्लस 3b माइनस 4c कॉमा 4a माइनस बी प्लस 9c एंड 2 माइनस 2b प्लस 3c माइनस ए, है ना, इसी को करना है। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए बच्चों, ये तीनों जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबको ऐड करेंगे, अब ऐड कर करके इसको जो है पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए और दोनों को क्या करना है घटाएं। तो देखिए है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इधर 2a माइनस 3b प्लस 4c है ना, यहां देखिए बच्चों फ्रॉम है ना, यहां सबको ऐड करते हैं a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 4a माइनस बी प्लस 9c, यहां पे प्लस हो गया बच्चों, फिर माइनस 2b प्लस 3c और माइनस a हो, ठीक है। अरे आप देखिए बच्चों 2a माइनस 3 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम है ना, अरे आप देखिए बच्चों a कहां कहां a है बच्चों, a वाला को एक साथ करेंगे बच्चों, तो देखिए यहां a है और यहां 4a, तो 4a और a को ऐड करेंगे तो 5a और 5a में से a को घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, बी पर चलते हैं, 3b और प्लस माइनस बी है तो 3b में से बी को घटाएंगे 2b और 2b में से 2b को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अरे बच्चों देखिए नहीं 2b माइनस 2b कट जाएगा है ना, तो b वाला जो है उसको कैंसिल हो जाएगा है ना। चलिए आगे चलते हैं, सी वाला चलते हैं है ना, तो यहां देखते हैं माइनस 4c और माइनस 4c प्लस 9c, 9c में से 4c घटाएंगे 5c हो जाएगा, अब 5c में से प्लस 5c और प्लस 3c तो 5c प्लस 3c क्या हो गया 8c आ गया है ना, इस तरह से। अब इसको जब बच्चों पहले लिखेंगे 4a प्लस 8c माइनस यहां 2a माइनस 3b प्लस 4c, तब 4a प्लस 8c माइनस 2a प्लस 3b क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा बच्चों। अब यहां देखेंगे यहां 4a में से 2a घटेंगे तब 2a हो जाएगा है ना, यहां b वाला संख्या तो है ही नहीं तो सिर्फ 3b लिखा जाएगा है ना, यहां 8c में से तो 4c आ जाएगा बच्चों, यही आपका क्या है बच्चों आंसर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस तरह से आप लोग करके देखेंगे और क्वेश्चन 6 का देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन 6 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई बच्चों, 6 का 1
फाइव एक्स माइनस नाइन वाई माइनस सेवन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां देखेंगे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव एक्स माइनस नाइन वाई माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स माइनस वन प्लस माइनस वाई है ना। देखिए सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स क्या है, ट्वेल्व एक्स हो जाए, माइनस नाइन और माइनस वाई करेंगे बच्चों तो माइनस टेन वाई आ जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से एक और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू को है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है ना। चलिए यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको इससे गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स बटा टू है ना, माइनस एक्स बटा टू और प्लस थ्री बटा टू माइनस थ्री हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बटा टू है ना। अब जो इसको सॉल्व करें बच्चों तो आएगा आपका क्या, इसको एलसीएम करेंगे तो आपका आ जाएगा टू है ना, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहां करेंगे माइनस एक्स प्लस थ्री और माइनस क्या है थ्री एक्स स्क्वायर। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या करेगा, यहाँ माइनस का है यहाँ क्या प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री आ जाएगा बटा टू, यही आपका क्या करना आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका थ्री फोर फाइव आप लोग करके देखेंगे है ना। तो आपका जो है एक्सरसाइज जो है सिक्स ए एक्सरसाइज सिक्स ये आपका खत्म हुआ, इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे बनाएंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम या परेशानी हो तो ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों बताएं, यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।